और आज फिर भदभदा, झुग्गी पर बुलडोजर चलेगा, जिनको मुआवजा मिला उनका ही घर टूटेगा। आज भी लोगों को मुआवजा दिया जाएगा, कल 30 मकानों को तोड़ा गया था। देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें मौके से दिखा रहे थे, जहां पर करीब 30 मकानों को तोड़ा गया है, क्योंकि बताया जा रहा है, जानकारी मिल रही है कि इनके मालिकों को जो यहां पर कब्जा कर रह रहे थे उनको मुआवजा दे दिया गया है। और जो अन्य लोग हैं, जो बचे हुए घर हैं, उनको तभी तोड़ा जाएगा जब मुआवजा दे दिया जाएगा। खबर है कि आज अन्य घरों को भी तोड़ दिया जाएगा मुआवजा देने के बाद। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए बड़ी कार्रवाई चल रही है, भारी मात्रा में पुलिस बल यहां पर तैनात है, जेसीबी मशीन की मदद से घरों को तोड़ा जा रहा है। पक्के मकानों का निर्माण यहां पर कर दिया गया था, करीब 20 साल से ये लोग यहां पर रह रहे थे। विस्थापन की या तो व्यवस्था की जा रही है या फिर चेक दिया जा रहा है। मुआवजा देने के बाद मकानों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, आज भी मुआवजा लोगों को दिया जाएगा।